खबरों को विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गंगा दशहरा की। आज गंगा दशहरा है और इस मौके पर हरिद्वार में भारी भीड़ देखी जा रही है। गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। सुबह 4 बजे से ही गंगा घाटों पर भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। लाखों की संख्या में पहुंचे हैं श्रद्धालु। सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। एसपी सिटी, सीओ सिटी समेत तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। तो हरिद्वार की तस्वीर आप देख रहे हैं। आज गंगा दशहरा है और इस मौके पर हरिद्वार में भारी भीड़ सुबह से ही श्रद्धालुओं की देखी जा रही है। गंगा में स्नान करने के लिए श्रद्धालु पहुंचे हैं। ऐसे भी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम पहले से ही किए गए थे। तमाम जो अधिकारी हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं, जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं हड़की पैड़ी पे और आज गंगा दशहरा का जो पावन पर्व है, जो स्नान है, उसकी जो स्नान है वो शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो इस समय यहाँ पर मौजूद हैं और सुबह तड़के 4 बजे से पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। भारी संख्या में श्रद्धालु अन्य राज्यों से यहाँ पहुँच चुके हैं। हरिद्वार में सुबह तड़के 4 बजे से ही यहाँ पे जो स्नान है वो चल रहा है। बताया जा रहा है कि लगभग लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालुओं के पहुँचने का अनुमान है। जो पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद है और जो श्रद्धालु हैं वो अन्य अन्य राज्यों से आए हैं। एक बार से श्रद्धालु है, पूछते हैं कहाँ से हैं आप? हम गौतम बुद्ध नगर यूपी से। आज स्नान, आज गंगा दशहरा? गंगा दशहरा कैसा? बहुत अच्छा लगा और व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ। आप लोगों का सहयोग है यहाँ और आप लोग कोऑपरेट कर रहे हैं सब इस चीज़ को। क्या आपने गंगा माँ से क्या प्रार्थना की? बस भारत की शांति के लिए। आप कहाँ से हैं दीदी? आप कहाँ से? ये परिवार है, ये हमारा फैमिली से है। तो आपके स्नान का कैसा लगा और क्या? बहुत अच्छा लगा, मन को बहुत सुख शांति मिली है हमें भी आज। बस गंगा मैया से यही प्रार्थना हमारी कि हम पे अपनी कृपा बनाए रखे। एक और है हमारे साथ, एक युवा जुड़े हैं। आप कहाँ से? मैं दिल्ली। और आज गंगा दशहरा के स्नान के लिए आए हैं, तो कैसा लगा आपको और क्या आपने क्या मनोकामना करी गंगा से? एक्चुअली हमने क्या था, पेंट दान करे थे अपने बड़े भाई के। अच्छा, उसके लिए आए हैं। तो और एक हमारे साथ, आप भैया आप कहाँ से हैं? उत्तम नगर। जी, उत्तम नगर से। तो कैसा लगा आपको स्नान कर? बहुत बढ़िया लगा। तो श्रद्धालु जो अलग अलग राज्यों से हैं, यूपी से हैं, हरियाणा से, दिल्ली से और भी कई समेत अलग अलग राज्यों से आज श्रद्धालु गंगा दशहरा के स्नान के लिए पहुंचे हैं और भारी संख्या में इस वक्त यहां मौजूद है। बताया जा रहा है कि आज अनुमान है पुलिस का, जो प्रशासन का है, कि 30 से 40 लाख लोग यहाँ पहुँच सकते हैं। माता जी हमारे साथ, इनसे भी जानेंगे। माता जी आप कहाँ से हैं? मैं पंजाब से आई बेटा। अच्छा, तो आप स्नान करने आए हैं आज सुबह सुबह? स्नान करने आए गंगा दशहरा का। कर लिया स्नान। अच्छा, तो आपने माँ गंगा से क्या प्रार्थना की? प्रार्थना महाराज के यही गई, तंदुरुस्ती बख्शे सबकी, सबको भलाई गंगा मैया खुशी आली सब। तो चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो जवान हो, हर वर्ग के जो हैं वो यहाँ पे स्नान करने आ रहे हैं और भारी संख्या में यहाँ भीड़ मौजूद है। करण खुराना, जी मीडिया, हरिद्वार। और चलिए करण हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे हरिद्वार से। करण, जरा नजारा दिखाइए गंगा दशहरा का। नजारा आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु है वो यहाँ स्नान करने के आदर्श आ रखे हैं। सुबह बताया जा रहा है कि तड़के 2 बजे से स्नान शुरू हो गया था और अब स्नान लगातार चल रहा है। जो अलग अलग राज्यों से हैं जो श्रद्धालु हैं वो हर बार आगे पूछने की तस्वीर लगा रहे हैं। गंगा दशहरा बहुत ही महत्वपूर्ण स्नान है। गंगा दशहरा का ये भी कहा जाता है कि 10 तरह के जो दोष हैं वो आज के स्नान से मुक्त हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं में बहुत आस्था है माँ गंगा के लिए और उसी आस्था के अनुरूप जो है आज दशहरे का स्नान करने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु हैं जो हर बार पहुंचे हैं। और सुबह लगभग तड़के 2 बजे से स्नान चल रहा है और पुलिस के जो प्रशासन की जो चप्पा चप्पे जो की जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद है। बड़ी संख्या में पुलिस बल हरिद्वार में लगाया गया है क्योंकि वीकेंड भी है, साथ में निर्जला एकादशी का स्नान भी है कल और आज गंगा दशहरा का स्नान है। इसलिए अन्य राज्यों से, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, तो कई राज्यों से यहाँ पे इस समय श्रद्धालुओं का आगमन जारी है और गंगा स्नान लगातार यहाँ पे चल रहा है। जी बिल्कुल करण, अगर देखा जाए कितनी संख्या में आज श्रद्धालु पहुंचे, क्योंकि हम जहाँ तक नजर जा रही है वहां तक सिर्फ श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल बताया जा रहा है कि लगभग जो है 7 से 8 लाख श्रद्धालु अब तक स्नान कर चुका है। लगभग तड़के सुबह 2-3 बजे से स्नान चल रहा है। तो बताया जा रहा था, जो आधिकारिक पुष्टि है कि
आसपास करण आपके आसपास श्रद्धालु हैं, जरा बातचीत करिए तो। बिल्कुल देखिए, हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। और ये जी कहाँ से आप? तो स्नान करने के लिए कैसा लगा? अच्छा लगा। और क्या माँ गंगा से क्या प्रार्थना करी आपने? हमारा परिवार खुश रहे, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बात बनाए। जी आपका नाम भैया? आप स्नान करने आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? साथ में स्कूल की छुट्टियां भी चल रही है, तो इस तरह से जो श्रद्धालु है वो हर बार पहुँच रहे हैं, लगातार जो स्नान का सिलसिला है जारी है। ठीक है करण, बहुत शुक्रिया वहां की तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।